टू इलेक्ट्रिकल डोज इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि पी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इस यूट्यूब चैनल चैनल पे चल रहा है तो आज के सीरीज में जो है दोस्तों 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए उसका क्वेश्चन पेपर है पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये पार्ट टू है जो कि सिक्सटी से लेकर वन क्वेश्चन टोटल सिक्सटी क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे और एक बार आप इसको देखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है आ, बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसको देख के एग्जाम देने के लिए जाएंगे और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों जब भी आप यहाँ पे सीरीज़ का क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे आते हो यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए तो आप एक पेन और पेपर भी रखिए ताकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के साथ जो मैं डिस्कस करता हूँ उसको भी आप नोट डाउन करते जाइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर यहाँ पे सिक्सटी वन है क्वेश्चन नंबर बोल रहा था रिशो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई टू द सर्किट देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का कंडीशन क्या क्या होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में दोस्तों क्या होता है कि पहले बायोलेट ये किसके किसके लिए अप्लीकेबल है ये अप्लीकेबल है बायोलेटरल बायो आप लिख सकते हो बायोलेटरल लीनियर एंड टाइम इन वेरियंट सिस्टम के लिए टाइम इन वेरियंट पहला हो गया दूसरा है दोस्तों ओनली टू द सिंगल सोर्स सिंगल सोर्स जहाँ पे रहेगा वहीं पे आप क्या लगा सकते हो रेसिप प्रोसेटि थोरम सिंगल सोर्स नेटवर्क में जहाँ पे मल्टी सेर्स नेटवर्क होगा जहाँ पे मल्टी सोर्स सपोज करो दो वोल्टेज सोर्स होगा या एक वोल्टेज सोर्स होगा एक करेंट सोर्स तो वहाँ पे आप रेसिव थ्योरम नहीं लगा सकते ठीक है तीसरा है इट इज अप्लीकेबल फॉर पेसिव नेटवर्क इट इज अप्लीकेबल फॉर पैसिव नेटवर्क पेसिव नेटवर्क पेसिव नेटवर्क के लिए भी वैलिड है पेसिव नेटवर्क मिसलब सर्किट में अगर ए इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी इंक्लूडेड है वहां पर भी आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हो चौथा है दोस्तों नोट अप्लीकेबल नोट अप्लीकेबल फॉर सर्किट कंटेनिंग, कंटेनिंग या कंसिस्टिंग डिपेंडेंट सोर्स जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स रहेगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हो जिस भी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स रहेगा उसमें आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं लगा सकते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे लीनियर एलिमेंट होना चाहिए ठीक है बाइलेट्रल एलिमेंट होना चाहिए और पेसिव एलिमेंट तो वहाँ पर आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हो तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए किसी भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम को का जो क्या क्या कंडीशन है इस कंडीशन को आप अगर ये कंडीशन आपको पता रहेगा तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर विथ इन फाइव सेकेंड में आप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इरर एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम द टर्म एक्सेलरेशन इरर कांस्टेंट स्टैंड फॉर देखो एक्सेलरेशन इरर कांस्टेंट जो होता है पहले होता है एक पोजिशनल इरर पोजिशनल पोजिशनल इरर कॉन्स्टेंट ये होता है दोस्तों यूनिट स्टेप के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए एक होता है वेलोसिटी वेलोसिटी इरर कांस्टेंट ये होता है आपका रैंप रैंप सिग्नल या स्टेप के लिए रैंप सिग्नल एक होता है आपका एक्सेलरेशन जो क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन इरर ये होता है दोस्तों पाराबोलिक पाराबोलिक सिग्नल के लिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे टर्म एक्सेरेशन इरर कांस्टेंट पूछा तो क्या होगा पाराबोलिक एक्सलरेशन के जगह पोजिशनल पूछता अगर पोजिशनल रहता है तो यूनिट स्टेप हो जाता है यूनिट या स्टेप इरर कॉन्स्टेंट और यहाँ पर अगर वेलोसिटी पूछता तो क्या होता है रैम परियर कॉन्स्टेंट इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। विच ऑफ द फ्लोइंगच ऑफ द फ्लोइंग डिफिक्ट इज मोस्ट लाइकली टू काज ए सिंगल फ्रीज इंडक्शन मोटर टू रन स्लोअर देन नॉर्मल तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे होगा वॉर्न वेयरिंग इसमें क्या होता है जैसे वर्न वेयरिंग होता है तो उसमें क्या होता है जैसे वर्न वेअरिंग होगा इनक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन साफ्ट एंड मोटर दिस विल राइज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द मोटर तो इसका सही आंसर क्या होगा वार्न बेरिंग के कारण नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल डायोड क्रिस्टल डायोड का क्वेश्चन है क्या कॉमन अप्लीकेशन होता है क्रिस्टल डायोड का तो क्रिस्टल डायोड का जो कॉमन अप्लीकेशन होता है और रिएक्टिफायर में यूज करते हैं आ, क्यों यूज करते हैं दोस्तों एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करेंट टू पल्सेटिंग डीसी हम रिएक्टिफायर का क्यों यूज़ करते हैं एसी से डीसी में कन्वर्ट करें एसी टू डीसी मतलब अल्टरनेटिंग करेंट तो हम क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं पल्सेटिंग डीसी में क्रिस्टल डायोड का ठीक है और नेक्स्ट है दोस्तों अगर आपको डायोड का सिंबल पूछेगा तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो एनोड और एक कैथोड एनोड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और कैथोड को नेगेटिव मानते हैं ये हो गया आपका डायोड नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोडिंग एंगल ऑफ एलिमिनेटिंग फिफ्थ ऑर्डर हारमोनिक्स एन इक्वल टू फिफ्थ दिया हुआ है फाइव ठीक है तो यहाँ पे क्या आपको पता है के सी के सी इक्वल टू क्या होता है कॉस एन अल्फा बाई टू तो फिफ्थ ऑर्डर हारमोनिक आप अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे फिफ्थ ऑर्डर हारमोनिक निकालने के लिए सबसे पहले जो फिफ्थ ऑर्डर का जो भी होगा जैसे फिफ्थ ऑर्डर का निकालना है तो के सी टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो कॉस एन अल्फा एन एन की जगह क्या होगा फाइव अल्फा आपको निकालना है बाई टू इक्वल टू जीरो तो फाइव अल्फा बाई टू इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो फाइव अल्फा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स जीरो का मान क्या होगा नाइन्टी होगा तो यानी बाई टू तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा पाई बाय फाइव कितना हो जाएगा वन एट्टी बाई फाइव तो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स डिग्री टू क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स डिग्री तो कोडिंग एंगल क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स जो कि थर्टी डिग्री है गलत है दोस्तों थर्टी सिक्स डिग्री होगा इसको आप सही कर लीजिए एग्जाम में क्या ऑप्शन गलत दे दिए यहाँ पर क्या होगा थर्टी सिक्स डिग्री इसमें तो एक तो ये प्रोसेस से बना सकते हैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं फिफ्थ फिफ्थ हारमोनिक्स पूछा तो वन एट्टी बाई डायरेक्ट फाइव कर सकते हैं तब पर भी थर्टी सिक्स आएगा ठीक है एक प्रोसेस से मैं बता दिया हूँ कि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो डी टाइप कार्टिलेज फ्यूज के बारे में पूछा डी टाइप का जो रेटिंग होता है टू एम्पियर से सिक्सटी थ्री एम्पियर एक होता है दोस्तों किटकेट किटकेट टाइप एग्जाम में आ सकता है आप लिख लीजिए किटकेट फ्यूज इसका जो होता है फाइव एम्पियर से लेके टू थ्री थाउजेंड एम्पियर तक कि और उसके बाद आपके बाद कार्टेलेस तो है ही उसके बाद एक आता है एच आर सी फ्यूज एच आर सी फ्यूज थर्टी एम्पियर से ले 1000 थाउजेंड तक इसका आता है और नेक्स्ट एक आता है डी टाइप डी टाइप फ्यूज डी टाइप एक कार्टेलेस फ्यूज होता है एक डी टाइप टाइप फ्यूज अलग होता है डी टाइप फ्यूज का होता है बहुत कम होता है उसका दोस्तों हंड्रेड मिली एमपियर से ले टेन एम तक होता है तो इसको आप याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डी टाइप आ चुका है डी टाइप कार्टिलेज फ्यूज किटकेट का क्या होता है फाइव से थ्री थाउजेंड एमपीयर तक एच आर सी फ्यूज का थर्टी एमपीयर से थाउजेंड एम तक और डी टाइप फ्यूज का हंड्रेड मिली एमपियर टू टेन मिली एम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एज पर आई रूल टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी विथ इन कितना रेंज के अंदर होना चाहिए इफ़ द नोमिनल वोल्टेज इज टू फोर्टी वोल्ट तो टू फोर्टी वोल्ट होगा जो है आपका नोमिनल वोल्टेज दिया हुआ है तो टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है कितना होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो इसमें क्या होता है दो, दोस्तों जब भी टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पूछेगा कि कितना रेंज में वेरी करेगा और नॉमिनल वोल्टेज दिया हुआ आपका टू फोर्टी वोल्ट टू फोर्टी वोल्ट तो टू फोर्टी वोल्ट का प्लस माइनस क्या हो जाएगा सिक्स परसेंट जब 240 फोर्टी वोल्ट का प्लस 6 परसेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा या माइनस सिक्स परसेंट करेंगे तो आपको लगभग कितना आ जाएगा 228 ट्वेंटी एट जैसे देखो 240 फोर्टी माइनस कितना हो जाएगा इसका करोगे इनटू सिक्स बाई हंड्रेड टू प्लस इतना करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 252 फिफ्टी वोल्ट और एक करोगे 240 फोर्टी माइनस टू फोर्टी इंटू सिक्स बाय हंड्रेड करोगे तो आपको आ जाएगा टू टू एट वोल्ट अप्रॉक्स तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये बस ये याद रखना पड़ेगा कि जो टर्मिनल वोल्टेज का जो रेंज होता है उसमें कितना मैक्सिमम डिविएशन होगा प्लस माइनस सिक्स परसेंट का तो मै मैक्सिमम टू फिफ्टी टू तक जाएगा और मिनिमम टू ट्वेंटी एट तक जाएगा कब जब लो वोल्टेज होगा लो या मीडियम वोल्टेज के रेंज में सिक्स रेंज रहेगा वही दोस्तों अगर हाई वोल्टेज के रेंज में रहेगा तो सिक्स रहेगा हाइयर साइड और 9% परसेंट लोअर साइड वही एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब समझो 220 ट्वेंटी के भी तो उसमें क्या होता है जो हाइयर साइड रहता है टेन परसेंट रहता और लोअर साइड ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट एक है दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम पॉइंटों भी से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ ठीक है आप लिखते जाओ रूल नंबर रूल नंबर फिफ्टी फाइव रूल नंबर फिफ्टी फाइव में मेंशन है कि वेरिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होगा वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा प्लस माइनस थ्री परसेंट किस रूल में है रूल नंबर फिफ्टी फाइव के अंदर जो वेरिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी को दर्शाया गया है प्लस माइनस तीन परसेंट अगर एग्जांपल के तौर पर अगर फिफ्टी हज फ्रीक्वेंसी रहता है तो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा फोर्टी एट पॉइंट फाइव से लेकर टू फिफ्टी वन पॉइंट फाइव के बीच में रहेगा ठीक है इस पॉइंट का आप नोट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी एट ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ऑंड फॉर ए फोर पोल एंड इट्स सप्लाई फ्रॉम फिफ्टी हर सप्लाई कैलकुलेट द रोटर स्पीड इफ़ द स्लिप इज़ फोर परसेंट तो एन एस आप निकालो स्लिप आपको दिया हुआ स्लिप फोर परसेंट मतलब ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर एन एस आपको निकाल लो एन एस क्या है वन ट्वेंटी इंटू एफ वाई पी वन ट्वेंटी फ्रिक्वेंसी आपको दिया हो कितना फिफ्टी पोल कितना दिया हो फोर तो कितना हो जाएगा पंद्रह सौ आर पी एम हो जाएगा एन एस आपको क्या निकालना रोटर स्पीड एन आर इक्वल टू कर सकते हो वन माइनस एस इंटू एन एस वन माइनस एस आपको पता है ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर और एन एस क्या है फिफ्टीन हंड्रेड आर पी एम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वन फोर फोर ज़ीरो आर पी एम आएगा यही आपका क्या हो गया रोटर स्पीड एट ए स्लिप ऑफ फोर परसेंट तो आपका रोटर स्पीड वन फोर फोर जीरो आर पी एम हो गया बस ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है इसे आप आसानी से बना सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू क्वाइल आर मैग्नेटिकली कपल एंड इफ द इंटायर फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन क्वाइल इज लिंक्ड विथ एन अदर क्वाइल द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा जब जितना सपोज करो कि दो क्वाइल हैं ठीक है ये क्या है दो क्वाइल है यहाँ पे फ्लक्स क्या है फाइव एम मेन फ्लक्स जितना इस क्वाल पे फ्लक्स है वो सारा का सारा फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो गया एल वन क्वाइल है एल टू क्वाइल है ये सारा का फ्लक्स जितना फ्लक्स है ये सब लिंक हो गया यहाँ पे तो टोटल फ्लक्स जब लिंक हो जाता है तो कॉफिशेंट ऑफ कपलिंग जो है हंड्रेड परसेंट है ठीक है मतलब हंड्रेड टाइटली कपलिंग है उसको यह कह सकते हैं तो क्या होगा हंड्रेड परसेंट होगा हंड्रेड परसेंट मतलब यूनिटी हो जाएगा तो कपलिंग का फॉर्मूला के इक्वल टू तो होता है एम रूट अंडर एल वन एल टू ठीक है कपलिंग कॉफिशियट का फॉर्मूला ये हो गया के इक्वल टू एम होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस रूट अंडर एल वन एल टू मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू क्वाइल एल वन और एल टू और कपलिंग के का जो रेंज होता है दोस्तों जीरो टू वन के बीच में होता है कभी ये भी एग्जाम में आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स पोल फिफ्टीयर्स थ्री फेज इंडक्शन मोटर है फुल लोड स्पीड दिया हुआ है व्हाट विल बी द स्पीड एट हाफ लोड देखो आपको पहले फुल लोड स्पीड दिया हुआ है कितना है ठीक है पोल दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है तो आप पहले एन एस निकालो एन एस इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ कितना है फिफ्टी बाई पी कितना है सिक्स तो 1000 आर पी एम आ गया आपका यहाँ से आप स्लिप निकाल लेंगे क्या होगा स्लिप एन एस माइनस एन बाई एन एस एन एस कितना है थाउजेंट माइनस नाइन फिफ्टी बाई कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव आपका आर पे वो क्या आ जाएगा स्लिप आ गया है. कितना पे एट फुल लोड पे एट फुल लोड क्योंकि फुल लोड स्पीड दिया हुआ है नौ सौ पचास आर पी और मैक्सिमम आर क्या है संकोना स्पीड क्या है थाउजेंड आर पी तो जो स्लिप आया जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव अब देखो स्लिप जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होता है स्लिप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड ठीक है तो हाफ लोड पे क्या होगा एट हाफ लोड एट हाफ लोड या हाफ लोड पे स्लिप क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा स्लिप कितना है जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव बाई टू हो जाएगा तो कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि स्लिप क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अगर स्लिप हाफ होगा तो लोड भी क्योंकि हाफ लोड पर निकालना आप देखो हाफ लोड पर तो स्लिप भी हाफ हो जाएगा ठीक है तो हाफ लोड पे स्पीड निकालना है तो क्या होगा एन आर स्पीड मतलब रोटर का स्पीड हाफ लोड पे क्या होगा वन माइनस एस वाई एन एस ये फार्मूला अभी जस्ट एक क्वेश्चन ऊपर करवाए थे तो उसमें यही फार्मूला का यूज हुआ था तो ए वन माइनस एस की जगह पर जीरो पॉइंट ज़ीरो टू फाइव इन टू एन एस क्या है एन एस आपका है आपका थाउजेंड uh, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको नाइन सेवन फाइव आर पी एम आएगा ठीक है तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है uh, सेवेंटी वन द पावर फैक्टर ऑफ एस्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड जब भी एस्पॉट वेल्डिंग के बारे में पूछेगा तो ये जो क्या होता है इंडक्टिव लोड होता है दोस्तों हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होगा और बहुत कम होगा तो क्या होगा जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव लेगिंग ठीक है और इस्पॉट वेल्डिंग का यूज कहाँ पर करते हैं जैसे कोई भी कार का बॉडी का जो वेल्डिंग करते हैं वो स्पॉट वेल्डिंग के ही थ्रू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फोइिइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ एच बी डी सी सिस्टम एच बी डी सी सिस्टम में क्या क्या होता है जो हाई वोल्टेज डी सी सिस्टम है उसमें ना इधर हम चार्जिंग करेंट ना ना ही उसमें स्किन इफेक्ट होता है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन वन और एच वी टी सी में जो है ट्रांसमिशन लाइन भी क्या होता है कम होता है लोअर ट्रांसमिशन लाइन होता है एच बी डी सी में और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है अच्छा होता है बो, बोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन गुड वोल्टेज रेगुलेशन कर सकते हैं सर्ज एम्पिडेंस लो, लोडिंग भी आ, अच्छा होता है लेस देन एट्टी परसेंट ऑफ नेचुरल लोड होता है ठीक है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा वन नेक्स्ट डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज डिमांड फैक्टर क्या होता है मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड इसको क्या बोलते हैं डिमांड फैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड इसको बोलते हैं लोड फैक्टर सेवेंटी फोर इन ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल द ग्राफ ऑफ फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ बी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बोला तो हमेशा जब भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बोलेगा तो इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा क्या होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो सपोज करो ये है आपका एच और ए है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी ठीक है बी और एच के बीच में मुझे रिलेशन बताना है अगर नॉन लीनियर होगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो इस तरह से पास करेगा स्ट्रेट लाइन ठीक है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और यही अगर मैग्नेटिक मटेरियल रहता तो मैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे करके थोड़ा ऐसे पास करता ठीक है लेकिन ये क्या है नॉन मैग्नेटिक का है नॉन मैग्नेटिक इस तरह से याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है ठीक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है टेस्ला होता है या वेबर पर टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है ठीक है मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है एम एम एफ एम्पियर टर्म ठीक है रिलेक्टेंस क्या होता है रिलेक्टेंस का एल बाई म्यू नोट म्यू आर ये रिलेक्टेंस के ही होता है ना इसका आप यूनिट निकाल सकते हो नेक्स्ट 76 सिक्स इम्पल्स रेशियो ऑफ द इंसुलेटर एंड लाइटनिंग एरेस्टर शुड बी तो क्या होता है देखो जब भी इंसुलेटर की बात होगी इम्पल्स रेशियो तो इंसुलेटर के केस में हाई होता है और लाइटनिंग एरेस्टर के केस में लो होता है ठीक है डायरेक्ट इस, इसका आप कर सकते हो नेक्स्ट uh, है ए लाइटनिंग डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड डूरिंग थंडर एस्ट्रो में थर्टी कुलम दिया हुआ द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज इतना मिली एवरेज लाइटिंग करेंट आई एल पूछा है सिंपल क्वेश्चन है क्यू बाई टी कर दो क्यू है थर्टी टी है आपका टेन मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलो तो टेन टू दी पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो यानी थ्री किलो एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रसिस्टेंट स्विचिंग इन नॉर्मली री रिसोर्टेड इन हु ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर जब भी रसिस्टेंस स्विचिंग की बात बात आएगी तो एयर वाला एयर वाला सर्किट ब्रेकर में हम लोग रसिस्टेंस स्विचिंग का यूज़ करते हैं एक और वैल्यू याद रखिए जो अगर कभी भी क्रिटिकल डैम्पिंग निकालने के लिए पूछेगा रसिस्टेंस में तो आर इक्वल टू वन बाई टू रूट अंडर एल बाई सी इस फार्मूला के यूज़ करके आप निकाल सकते हो और कभी कभी पूछ देगा स्विचिंग वोल्टेज क्या होता है सर्किट ब्रेकर का सर्किट ब्रेकर का स्विचिंग स्विचिंग वोल्टेज इक्वल टू आई रूट अंडर एल वाई सी ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी द फॉलोइंग पेयर इज इन वैलिड डबल पेयर तो यहाँ पे देखो रसिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता है रसिस्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस होता है तो ये सही है आपका इम्पिडेंस एंड रिएक्टेंस ये गलत है बिल्कुल ठीक है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये सही आंसर सेकेंड हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज क्या है डबलिटी है वोल्टेज करेंट ठीक है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ये भी सही है आपका इसमें बोल रहा है इनवैलिड डबल पेयर तो इनवैलिड क्या होगा इम्पिडेंस एंड रिएक्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू साइन वोल्टेज वी वन दिया हुआ है और वी टू दिया हुआ है यहाँ पे देखो कॉस में दिया हुआ है और यहाँ साइन में दिया हुआ है ठीक है तो इसको पहले हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे एंगल क्या है 50 डिग्री यहाँ क्या है माइनस टेन डिग्री तो इसको आपको पहले कॉस कॉस है यहाँ और साइन है तो इसको इधर साइन में चेंज करो या इसको कॉस में चेंज करो दोनों का जो है हमेशा चेंज सेम होना चाहिए जो भी है अगर कॉस में तो कॉस साइन में तो साइन लेकिन इसको पहले हम क्या करेंगे चेंज करेंगे तो इसको चेंज करते हैं वी को तो भी टू इक्वल टू तो हम लिख सकते हैं ट्वेल्व साइन ओमेगा टी और मुझे टेन लाना है तो माइनस टेन लाना है तो क्या प्लस एट्टी माइनस नाइन्टी कर सकता हूँ साइन साइन ओमेगा टी प्लस एट्टी माइनस नाइन्टी अब देखो साइन यहाँ पे आपको क्या करना है देखो इसको मान लेना है थीटा साइन थीटा माइनस नब्बे क्या होता है माइनस ट्वेल्व कॉस ओमेगा टी प्लस अस्सी अब देखो इस ये इसको वी टू को और वी वन से कंपेयर करेंगे तो निकल जाएगा आपका कितना हो जाएगा फेज uh, डिफरेंस निकालना है फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस निकालना है थीटा मान लो फेज डिफरेंस तो क्या होगा 50 है और यहाँ क्या है 80 है तो क्या हो जाएगा 80 माइनस फिफ्टी हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री तो आ गया है थर्टी हमेशा क्या करो कन्वर्ट करो देखो कि यहाँ कॉस में दिया है इस साइन में है तो ऐसा नहीं कि 50 में 10 घटा देंगे 50 में प्लस 10 जोड़ देंगे 60 हो तो जाएगा गलत हो जाएगा अगर कॉस है और साइन है तो ऐर इसको साइन में चेंज करो या इसको कॉस में चेंज करो ठीक है ना तो मैंने क्या किया वीटू को कॉस में चेंज किया वीटू को कॉस में चेंज किया तो माइनस ट्वेल्व कॉस ओमेगा टी प्लस एट्टी आया फेस डिफरेंस क्या होगा ये ए कॉस में दिया हुआ अब यहाँ पे 50 डिग्री है और यहाँ पे 80 डिग्री है तो फेस डिफरेंस में निकालते हैं कितना एट्टी माइनस फिफ्टी तो कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन बेस्ट फिटेड फॉर थ्री फेज फोर वाइज सिस्टम डेल्टा इस्टार सिस्टम इज़ बेस्ट सुटेड फॉर थ्री फेज एंड फोर वायर सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह भी हो सकता है दोस्तों जो एटार स्टार कनेक्शन जो है यहाँ पर स्टार स्टार कनेक्शन हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं याद रखिए ये स्टार स्टार कनेक्शन हम लोग हाई वोल्टेज एंड लो करेंट लो करेंट रेटिंग ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं एक्सटीआर मतलब ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं ठीक है और ये स्मॉल के वीए होता है स्मॉल के वी ए होता है मतलब इसका जो के वी रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का बहुत कम होता है और स्टार डेल्टा नहीं यहाँ पे डेल्टा डेल्टा जो है इसको यूज़ करते हैं हम लोग लार्ज के वी में लार्ज के वीए रेटिंग ट्रांसफार्मर में ठीक है इसमें क्या होता है लो वोल्टेज होता है एंड हाई करेंट होता है ये याद रखिए रिलेवेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्टी टू विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो है सॉलिड ग्राउंडिंग करते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग रिएक्टेंस ग्राउंडिंग भी करते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग भी करते हैं लेकिन पल्स ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग नहीं करते तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट uh, है ए लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विथ इन इट इज कॉल्ड एज मेस क्या बोलते हैं मेस बोलते हैं इसको देखो कोई भी क्लोज लूप है उसमें क्या होता है डेट कॉन्टेंस नो अदर लूप्स विथ इन ए पाथ विच इज कॉल्ड एज मेस 84 फोर ए फोर हंड्रेड ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू चार पैरल में और सबका सेम रेजिस्टेंस है वन बाय हंड्रेड प्लस वन बाय हंड्रेड प्लस वन बाय हंड्रेड प्लस वन बाय हंड्रेड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हंड्रेड बाय फोर ट्वेंटी फाइव आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज जो सोडियम वेपर लैम्प होता है डिस्चार्ज लैम्प या जो भी है तो उसका क्या होता है कलर येलो कलर होता है इसमें <coughs> इसमें जो आपका आ, कभी कभी टेम्परेचर के बारे में पूछेगा नॉर्मल कितना टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है तो 300 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करता है और जो सोडियम वेपर लैम्प का लुमिनियस ल्यूमिनियस ल्यूमिनियस इफिशेंसी होता है इफ़ीसेंसी ये भी नोट डाउन कर लीजिए वो आपको लगभग फोर्टी टू फिफ्टी ल्यूमन पर वाट होता है ल्यूमन पर वाट होता है ठीक है और इसका जो लाइफ होता है दोस्तों सोडियम वेपर लैम्प का थ्री थाउजेंड आवर्स इसका क्या होता है लाइफ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं द ओनली प्रोमिसिंग सोल्यूशन ऑफ फीडिंग द फील्ड वाइंडिंग ऑफ लार्ज टर्बो जनरेटर एब फाइव हंड्रेड मेगावाट इज तो ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं जितने भी लार्ज अल्टरनेटर uh, हैं या टर्बो जनरेटर हैं उसको हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम से क्या करते हैं फील्ड वाइंडिंग में एक्साइट करते हैं मतलब डीसी सप्लाई से एक्साइट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू रिड्यूस साइज ऑफ द मशीन देखो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग जो है इसका यूज क्यों करते हैं इट रिड्यूसेस द डिस्टोर्सन क्या करता है फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग रिड्यूस डिस्टोर्शनल या डिस्टॉर्टिंग हारमोनिक्स हारमोनिक्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रैक्शनल वाइंडिंग का यूज करते हैं ठीक है और इसमें क्या होता है दोस्तों जैसे फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग में कॉपर जो है कॉपर को हम क्या करते हैं सेव करते हैं कॉपर सेविंग होता है लॉस भी क्या होता है कम जहाँ पे जितना कम कॉपर यूज करेंगे वहाँ पे लॉस कितना होगा उतना कम होगा जहाँ पे जितना ज़्यादा कॉपर आप यूज कीजिएगा एज ए कंडक्टिंग मटेरियल तो वहाँ पे क्या होगा ज़्यादा लॉसेस होगा तो इसमें कॉपर का यूजेज क्या होता है रिड्यूस होता है नेक्स्ट इफ़ द डेल इज़ द लॉस एंगल ऑफ़ द केबल इट्स पावर फैक्टर देखो पावर फैक्टर एंगल के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे आप ऐसे इसको कर सकते हो जैसे कोई भी केबल होता है ना तो जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल जो भी रहता है केबल में कोई भी केबल है सपोज करो एक केबल है एक ठीक है एल लेंथ का ये क्या है केवल है तो इसके अंदर जो है अगर इसका हम सर्किट बनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसको आप देखो कैसे करते हैं ये सर्किट है केबल का ठीक है यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हो केवल में और क्या है एक करेंट आई जा रहा है एक रेसिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है यहाँ पे आई आर करेंट जाएगा और यहाँ पे आई सी करेंट जाएगा तो अगर इसका हम पावर लॉस लिखें पावर लॉस पी पीकल टू क्या लिखेंगे पावर लॉस कहाँ पर होगा सिर्फ इस पार्ट में होगा क्योंकि रेसिस्टेंस जहाँ है तभी इन टू आई आर लिख सकते हैं पावर लॉस पी एल लिख दो पावर लॉस को और एक यहाँ पे दोस्तों अगर इसका इस सर्किट का आप अगर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज हो जाएगा जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं उसके बाद करेंट क्या है करेंट आई है कैपेसिटर के कारण क्या होगा लीडिंग करेंट होगा तो किससे लीड करेगा वोल्टेज से तो ये आई हो गया जो कि 90 डिग्री से लीड कर रहा उसके बाद रिजल्टेंट करेंट का क्या है आई और जो रेसिस्टेंस होगा इन फेज होगा वोल्टेज तो ये आपका आई आर है इन फेज वोल्टेज इन फेज होगा आई आर ठीक है अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट करेंट क्या होगा यहाँ से यहाँ से ऐसे करके मिला दो तो ये जो करेंट हो जाएगा दोस्तों ये हो गया आपका रिजल्टेंट करेंट आई और ये आपको पता है ये एंगल कितना हो जाएगा इसको बोलते हैं हम लोग फाई और ए एंगल होता है डेल इस इसी एंगल को हम लोग लॉस एंगल बोलते हैं लॉस एंगल ऑफ़ द केबल जो होता है जो रिजल्टेंट करेंट आई और आई सी के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग लॉस एंगल बोलते हैं डेल्टा ठीक है और यहाँ पे फाई एंगल है किसके किसके बीच आ, आ, आई आर और आई के बीच या वोल्टेज और जो रिजल्टेंट करेंट है उसका देखो ए वोल्टेज और इस करेंट के बीच में वी आई के बीच में फाई एंगल है अगर इसको हम लोग कॉस फाई कल टू लिखेंगे थोड़ा कॉस फाई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस फाइ इक्वल टू क्या होगा बेस तो बेस क्या है आई आर है अब बेस बाई क्या है एच होगा तो आई हो जाएगा हाइपोटेनस ठीक है और टेन टेन डेल लिखना है टेन डेल इक्वल क्या लिखेंगे क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका आई आर मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है तो आई आर लिख सकते हैं आई आर और बाई कितना हो जाएगा आई सी बेस क्या है आई सी तो यहाँ से आप इसको आई आर इक्ल टू क्या लिख सकते हो आई आर इक्वल टू आई सी टेन डेल्टा लिख सकते हो अब देखो आई सी इकल टू आप यहाँ पर लिख सकते हो आई सी क्या हो जाएगा आई सी इकल टू क्या होगा वोल्टेज बाई वी वाई एक्स सी या इसी को अगर लिखेंगे तो वी इंटू ओ ओमेगा सी आपका ये क्या हो गया आई सी अब आई आर अगर आपको लिखना है आई आर इक्ल टू आई सी की जगह क्या लिखते हैं वी इंटू ओमेगा सी ये भी हो गया वोल्टेज कंफ्यूज मत कीजिएगा वी इंटू ओमेगा से इन टू टेन डेल्टा तो ये आपका क्या हो जाएगा जो हम लोग रिलेशन निकालते आप पावर लॉस आप निकाल लो पावर लॉस का फॉर्मूला कहाँ लिखें पी एल इकल टू वी इंटू आई आर तो पावर लॉस आई आर आपको पता है यहाँ है और वोल्टेज क्या है पता है तो पी आर पावर पी एल इकल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू ओमेगा सी कॉस भाई ये आपका क्या हो गया पावर लॉस का फार्मूला हो गया कैपेसिटर का ठीक है बस आप फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं यहाँ से मैं बता दिया हूँ ठीक है और यहाँ पे आपको लॉस एंगल जो है हमेशा क्या है लॉस एंगल ऑफ़ द केबल इट्स पावर फैक्टर इज तो क्या हो जाएगा अब देखो यहाँ पे आपको पावर फैक्टर निकालना है तो कॉस आपको लॉस एंगल लॉस एंगल अगर निकालना है तो आपको यहाँ पर देखो फाइव आपको पता है तो आप एक कम कर सकते हैं ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री तो डे इक्वल टू क्या आ सकता है नाइन्टी माइनस ठीक है तो पावर फैक्टर कॉस फाइव इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस नाइन्टी माइनस कितना हो जाएगा फाइ तो क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे दोस्तों कॉस फाइव की जगह यहाँ पे देखो फाई इक्वल टू नाइन्टी माइनस डेल होगा यहाँ पे आप निकालेंगे नाइन्टी माइनस क्या हो जाएगा फाइव की जगह फाइव की जगह क्या हो जाएगा डेल नाइन्टी माइनस डेल तो क्या हो जाएगा साइन तो आपका क्या आंसर हो जाएगा साइन साइंडल नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेटिंग वैक्यूम इज क्या होगा मैक्लोइड गेज होता है इसमें आंसर नेक्स्ट नाइन्टी द नेट चार्ज ऑन द न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट विल बी नेट चार्ज के बारे में जब भी पूछेगा और न्यूट्रल एटम दिया रहेगा क्वेश्चन हमेशा जीरो होता है ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स वेर्स पी एन जैक्न डाइवर्ट रिवर्स वेज पी एन जक्सन डावर्ड में जो रिवर्स करेंट होता है वो क्या होता है माइक्रो एम्पियर में होता है माइक्रो एम्पियर में जो कि बहुत कम होता है ऑलमोस्ट नो करेंट ए जनरेटर डिवलप टू हंड्रेड वोल्ट हैज एन इंटरनल रसिस्टेंस दिया हुआ फाइंड द पावर डिलीवर टू द लोड रेसिस्टेंस ऑफ द थ्री हंड्रेड ओम तो इसको आप कैसे करेंगे जनरेटर का वोल्टेज दिया हुआ आपका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो आप इसको एक तो पहले जनरेटर कैसे जनरेटर में ये हो गया आपका जनरेटर कितना है टू हंड्रेड वोल्ट सपोज करो वो ये जनरेटर है क्या कर रहा है जनरेट कर रहा है वोल्टेज और यहाँ पे रसिस्टेंस दिया हुआ एक रसिस्टेंस यहाँ बना देता हूँ कितना है हंड्रेड ओम और एक लोड पे कनेक्टेड है कितना थ्री हंड्रेड एक करेंट क्या है आई है तो आई कल टू तो क्या हो जाएगा टू हंड्रेड बाई फोर हंड्रेड तो जीरो पॉइंट फाइव एम हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव एम करेंट अभी अक्रॉस में पावर निकालना है पी लोड के अक्रॉस में तो आई स्क्वायर इंटू आर थ्री हंड्रेड आई जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर तो जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव वाट आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेट द जी इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग सर्किट जी इक्विवेलेंट मतलब कंडक्टेंस निकालना है इस सर्किट का तो कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बताओ कंडक्टेंस के केस में क्या होता है अगर पैरल में है ये दोनों पैरल में है तो इसको सीरीज में कंसिडर करेंगे और ये दोनों अब देखो यहाँ पे पहले इसको क्या करेंगे सीरीज में करेंगे और क्या है ये शॉर्टेड लाइन है और यहाँ पे देखो आठ चार क्या पैरल में है तो सीरीज में हो जाएगा तो इसको अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा इस तरह से लिख सकते हैं ये हो जाएगा ट्वेल्व एस एट प्लस फोर ट्वेल्व एस उसके बाद देखो ये ट्वेल्व एस प्लस सिक्स एस क्या चीज़ में है ये सीरीज में पैरेलल में हो जाएगा तो यहाँ पे इसको हम टू को टू ही रखने देते हैं और ट्वेल्व एस और सिक्स एस को करेंगे तो ट्वेल्व इंटू सिक्स वाई एट्टीन यानी फोर एस हो जाएगा ये और जी इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना मुझे समझ गए ये दोनों पैरेलल में है तो एट प्लस फोर ट्वेल्व कर दिए ये पूरा शॉर्टेड लाइन है ठीक है तो ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिए और यहाँ क्या है टू एस और सिक्स एस प्लस ट्वेल्व एस क्या है सीरीज में है तो इसको एज ए पैरल लेंगे कंडक्टेंस के केस में रेजिस्टेंस के केस में ऐड कर देते लेकिन कंडक्टेंस के केस में क्या करेंगे पैरल करेंगे तो ट्वेल्व इंटू सिक्स बाई एटीन फोर हो गया अब ये दोनों पैरल में हो गया तो सीरीज में हो जाएगा तो सीरीज में होगा तो इसको आप अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इसे ट्वेल्व एस और ये कितना हो जाएगा सिक्स एस बाई ये जी एस निकालना है आपको जी इक्विवेलेंट तो अब देखो ये दोनों सीरीज में है तो जी इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल में ट्वेल्व इंटू सिक्स वाई कितना हो जाएगा एटीन तो थ्री कितना हो जाएगा फोर तो फोर एस हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर सीमेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील रेल रेल्स आर वेल्डेड बाय थर्मिट वेल्डिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं स्टील रेल को वेल्ड करते हैं स्टील रेल मतलब जो रेलवे का ट्रैक होता है इसको आपको वेल्डिंग करना है तो किस किस वेल्डिंग के थ्रू करेंगे थर्मिक वेल्डिंग के थ्रू आप करेंगे नेक्स्ट ये साइनोसोडल इज एक्सप्रेस्ड है जे फाइव साइन फोर पाई टी माइनस सिक्सटी डिग्री फाइंड द फ्रीक्वेंसी तो आ, आपको दिया हुआ है तो सपोज करो कोई भी है सिग्नल ए टी इक्वल टू है इस तरह से ए एम साइन ओ टी माइनस फाइव इस तरह से अब आप क्या आपको फ्रिक्वेंसी निकालना है तो आप देखो ओमेगा की जगह यहाँ पर फोर पाई दिया है तो ओमेगा इक्वल टू फोर पाई लिख लो ओमेगा इक्वल टू तो क्या होता है टू पाई एफ इक्वल टू फोर पाई तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर पाई बटे है टू पाई तो क्या हो जाएगा टू हर्ज क्या हो जाएगा टू फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा टू इस तरह से आप निकाल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट डिजायरेबल फॉर द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज एन इलेक्ट्रिकल केबल तो इलेक्ट्रिकल केबल में जो है क्या क्या होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए अब देखो लो असिस्टिविटी इसमें जो भी केबल है उसका हाई असिस्टिविटी होना चाहिए इसलिए यहाँ पे नॉट डिजायरेबल बोल रहा है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा लो असिस्टिविटी इसमें एक और कर सकते हो जो भी केबल होता है उसमें कंडीशन क्या क्या होता है देखो पहले हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस रहेगा हाई आई आर मतलब इंसुलेशन रेसिस्टेंस हाई डाइलेक्ट्रिक रहता है हाई डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दूसरा हो गया तीसरा होता है लो लो परमिटिविटी लो परमिटिविटी किस में केबल में और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है ये सब आपका क्या है केबल का क्या है प्रॉपर्टी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसके बाद नन हाइग्रोस्कोपिक होता है नन हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रो हाइग्रोएपिक हाइग्रोस्कोपिक मतलब इट शुड नॉट इट शुड नॉट ऑब्जर्व कोई भी मॉइस्चर को क्या करे ऑब्जर्व नहीं करेगा फ्रॉम एयर या सॉइल उसको क्या बोलते हैं नन हाइग्रोस्कोपिक एक होता है नन इनफ्लेमेबल नन इनफ्लेमेबल भी होता है इनफ्लेमेबल तो ये सब क्या होता है के, केवल का क्या क्या है प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है जो ऑप्शन में दिया है डायलैक्टिक स्ट्रेंथ तो होता ही है तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 97 सेवन टाइप ऑफ अर्थिंग इज कॉमन कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग देखो सब अर्थिंग है यहाँ पे लेकिन जो मोस्ट कॉमन है पाइप अर्थिंग है जो हम लोग यूज़ करते हैं घर पे वो मोस्टली पाइप अर्थिंग ही होता है ठीक है और रोड अर्थिंग भी है प्लेट अर्थिंग भी है वायर अर्थिंग भी सब अर्थिंग है लेकिन हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं पाइप अर्थिंग यूज़ करते हैं और इसमें जो दोस्तों पाइप का जो साइज़ होता है ना कभी कभी वो एग्जाम पूछता है इसका जो डाया होता है डायमीटर जो है मैक्सिमम आप फोर्टी एम एम तक रखते हैं ठीक है और लेंथ लेंथ जो है आप लगभग टू मीटर से थ्री मीटर के बीच क्या रखते हैं लेंथ ये दो पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है और ये जितने भी सॉइल के अंदर क्या आता है सॉइल के अंदर आपका ये पूरा लेंथ जाता है तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट है नाइन्टी एट इन एस सिग्नल फोलोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ए लूप कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल ब्रांच एंड सिंगल नोड इज नोन एज उसको बोलते हैं सेल्फ लूप ठीक है सेल्फ लूप का मतलब होगा कि सपोज करो कि कोई भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे करके ठीक है ये पॉइंट वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है यहाँ है ए यहाँ पे बी ठीक है और यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे करके इस लूप पे एक क्या है सी है यहाँ पे फिर क्या होगा डी होगा फिर यहाँ पे अब देखो ये जो लूप है पॉइंट नंबर थ्री ये क्या है सेल्फ लूप है सेल्फ लूप का मतलब हो गया लूप कंसिस्टिम ऑफ सिंगल ब्रांच एक क्या ब्रांच सिंगल ब्रांच है एंड ए सिंगल नोड एक ही नोड पे क्या यहाँ से स्टार्ट होकर ब्रांच यहाँ पे मीट हो रहा है इसको बोलेंगे सेल्फ लूप ये एग्जाम्पल हो गया सेल्फ लूप का व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ सैनोसोडल दिया हुआ वोल्टेज यहाँ पे पीरियड पूछ रहा है पीरियड मतलब अ टाइम ठीक है तो टाइम कितना हो जाएगा अब देखो ओमेगा ओमेगा टी होता है ठीक है तो ओमेगा इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो फिफ्टी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है टू पाई एफ इक्वल टू फिफ्टी तो एफ इक्वल टू क्या होगा फिफ्टी बाई टू पाई यही होगा ना अब देखो टी इक्वल टू क्या होता है वन बाई एफ तो टू पाई बाय फिफ्टी अब देखो टू इन पाई के थ्री पॉइंट वन फोर करेंगे बाई कितना होगा फिफ्टी जब इसको डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट वन टू फाइव सेवन आ जाएगा आपका सेकेंड तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन वन हंड्रेड टू मटेरियल दिया, दिया हुआ है ए एन बी रेसिसटेंस टेम्परेचर कॉफिशियंट दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर से जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर पर डिग्री ठीक है अब इसका मुझे क्या निकालना है एट गिवन व्हाट प्रोफेशनल शुड ए एंड बी बी जॉइंट इन सीरीज टू प्रोड्यूस ए सर्किट हैविंग ए टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है रिलेशन आर टी माइनस आर नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर इंटू टी बस ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए ठीक है अब देखो एक होता है अल्फा इक्वल टू टेम्परेचर कॉफिशेंट इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट बाई आर नोट इंटू टी टी मतलब डिनोट कर रहा है किसको टेम्परेचर को इसी को आप इसी को जो इसको आप ऐसे लिख सकते हो आर टी इक्व टू जब इसको सॉल्व करेंगे R0 into 1 plus alpha T. आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा टी और टी मतलब होता है टी टू माइनस टी नोट या टी वन माइनस टी नोट फाइनल टेम्परेचर और जो या इनिशियल टेम्परेचर मतलब शुरू में कितना टेम्परेचर है इस फॉर्मूला के बेस्ट पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आपका सही आंसर जो वन रेशियो फाइव आएगा एक बार आप इसको सॉल्यूशन को करके देखिए अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठीक है नेक्स्ट स्ट्रिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन है देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है उसका फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को विथ इन फिफ्टीन सेकेंड में बना दीजिएगा कैसे देखिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग इफिशेंसी पूछा है स्ट्रिंग इफिशेंसी इफिशेंसी इक्वल टू होता है टोटल वोल्टेज कितना है वोल्टेज टोटल वोल्टेज बाय नंबर ऑफ यूनिट एन इनटू कितना वोल्टेज नियरेस्ट टू द इंसुलेटर क्या होगा अब देखो यहाँ पे फोर यूनिट दिया है और आपको क्या निकालना है बॉटम मस्ट यूनिट दिया हुआ हाँ वोल्टेज नियरेस्ट टू बॉटम यूनिट बॉटम यूनिट तो आपको वोल्टेज क्या है वोल्टेज भी है और बॉटम यूनिट है कितना जो वोल्टेज है उसका थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट चार और ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री थ्री भी ये कैंसिल हो जाएगा टेस्टिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सॉल्यूशन करेंगे सेवेंटी फाइव परसेंट ऐसे समझो कोई भी ऐसे करके यहाँ पर इंसुलेटर है ठीक है ऐसे करके इंसुलेटर है और यहाँ से कंडक्टर गया ये एक क्या है कंडक्टर है एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ अब देखो इसके में टोटल स्ट्रिंग अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा उसको टोटल वोल्टेज बोलेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या है एन वन टू थ्री यानी तीन है एन एकल टू तो थ्री हो जाएगा लेकिन यहाँ पे चार यूनिट है तो आप चार दिखा सकते हो और यहाँ पे सबसे जो इस स्ट्रिंग के नियरेस्ट जो वोल्टेज होगा बॉटम मतलब जहाँ पे कंडक्टर है उसके इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बॉटम वोल्टेज भी बॉटम भी वी कर देते हैं ठीक है तो इस कंसेप्ट के थ्रू ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो स्ट्रिंग एफिसंेंसी इक्वल टू तो होता है टोटल वोल्टेज स्ट्रिंग के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है इक्वल टू तो नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग कितना है ठीक है नंबर ऑफ स्ट्रिंग या इंसुलेटर ऐसे करते हो स्ट्रिंग इंसुलेटर कितना है एन एन टू वोल्टेज नियरेस्ट टू द कंडक्टर स्ट्रिंग नियरेस्ट टू द कंडक्टर कौन सा इंसुलेटर जो भी है क्या हो जाएगा वी बॉटम तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ एस्फेयर दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है इस्टीमेटेड hmm, ईरर कितना होगा इस्टीमेटेड ईरर जब भी आपको निकालना देखो आपको क्या रही रेडियस uh, दिया आर्टिकल टू फोर्टी और फोर्टी प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव एम एम मतलब फोर्टी प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव एम एम आप लिख दो पूरा ठीक है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो इसको ये क्या है रेडियस है ये आपको क्या है डिविएसन है डिविएसन क्या है ज़ीरो पॉइंट फाइव है ठीक है तो एक होता है फॉर्मूला डी एम बाई एम इंटू हंड्रेड बाई डी भी बाई भी इंटू हंड्रेड इक्वल टू थ्री इंटू डी आर बाई आर इंटू हंड्रेड इस्टीमेटेड एर आपको यहाँ से निकाल अब देखो थ्री इंटू डी आर बाई आर क्या है जीरो पॉइंट फाइव बाई आर क्या है फोर्टी इंटू क्या है हंड्रेड जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट तो आपको क्या आंसर हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ लगा सकते हैं प्लस माइनस डिविएसन है प्लस माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ठीक है ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए थ्री इंटू डी आर बाई आर इंटू हंड्रेड आपको आर दिया हुआ है डिविएसन कितना रेडियस हो रहा है जीरो पॉइंट फाइव बाई फोर्टी इंटू हंड्रेड तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और ये जो दोस्तों ये जो फॉर्मूला आता है आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ से थ्री आ गया एक फार्मूला होता है दोस्तों मास जो होता है ना कोई भी चीज़ का मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ठीक है अगर मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो इसको आप लिख सकते हैं चेंज ऑफ मास बाय औरजिनल मास इन हंड्रेड इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इन टू हंड्रेड अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एस्फेयर है तो फोर बाय थ्री पाई आर क्यू ठीक है अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं इसको निकालते हैं तो इसी को अगर आप आ, क्या करेंगे डी डो वी बाई वी करेंगे और उसके बाद आपको ये पता है कि कितना है वी इक्वल टू तो उस पर आप पुट करेंगे तो आपको जो है एग्जैक्ट यहाँ पर इतना आ जाएगा टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ नेक्स्ट ये डी सी वोल्टेज सोर्स है जे सोर्स रेजिटेंस वेरी वेरीज फ्राम फाइव टू ट्वेंटी फाइव इट्स कनेक्टेड टू ए लोड ऑफ टेन मैक्मम पावर ट्रांसफर द सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी कितना हो जाएगा सोर्स रेजिस्टेंस देखो कोई सर्किट दिया हुआ सपोज करो यहाँ पे सर्किट है इस तरह से एक रेजिस्टेंस है सोर्स रेजिस्टेंस एक लोड रेजिस्टेंस है और सोर्स रेजिस्टेंस बोल रहा है वेरी कर रहा है कहाँ पे आर एस सोर्स रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है कितना फाइव से लेके ट्वेंटी फाइव ओम के बीच में उसके बाद आपका लोड रेजिस्टेंस फिक्स है और डीसी सप्लाई भी डीसी सप्लाई कुछ दिया माइनस प्लस वोल्टेज यहाँ पे करंट होगा कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे अगर करंट आई इक्वल टू लिखें तो वी बाई क्या होगा आर एस प्लस आर एल होगा और एक पी मैक्स फार्मूला तो पी इक्वल टू क्या है था आई स्क्वायर इंटू आर एल लोड के अक्रॉस टोटल पावर कितना होगा तो आई आपको पता है वी बाई आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल अब ऑप्शन में तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है आप दो, दोस्तों यहाँ पे देखो कंपेयर करो मैक्सिमम पावर कब आपको मिलेगा इससे अगर यहाँ पे पी मैक्स मैक्सिमम पावर कब मिलेगा जब आपको क्या है फिक्स देखो क्या है आपको लोड रेजिस्टेंस फिक्स है आर एल फिक्स है लेकिन सोर्स रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो आर एस को आपको वेरी करना है तो आर एस कम होगा ठीक है पी इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर एस स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे इसके अनुसार तो अगर क्या करेंगे मैक्सिमम पावर तब ज़्यादा होगा जब रेसिस्टेंस क्या होगा कम होगा बहुत कम होगा तो इस ऑप्शन में आप देखो पाँच से पच्चीस के बीच में सबसे कम रेसिस्टेंस क्या है फाइव तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फाइव ओम हो जाएगा तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल का जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है वो तो फोर पाई होता है एक सौ पाँच ए रेसिस्टेंस मेजरमेंट रीडिंग इज इतना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन रीडिंग देखो सिक्सटी एट पॉइंट जीरो है सिक्सटी एट पॉइंट जीरो ओम तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे कि आ, मतलब आपकी देखो कोई भी डिजिट दिया हुआ रहता है तो उसमें टोटल कितना नंबर है आप देखो एक दो और यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट के बाद एक नंबर है ठीक है तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि फर्स्ट डिजिट आपका सिक्स है सेकेंड डिजिट सिक्स एट है और थर्ड डिजिट क्या है जीरो पॉइंट के बाद जीरो दर्शाया है मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा थ्री सपोज़ करो यहाँ पे जीरो सिक्स एट पॉइंट जीरो ओम दिखाता तो यहाँ पे क्या होता फिर भी जीरो क्या है जीरो अगर आगे जीरो है तो इनवैलिड हो गया ये इससे कोई मतलब नहीं होगा लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद जीरो का मतलब है इसके इसका मतलब दिखा रहा है कि मेजरमेंट का रीडिंग में भी जीरो जीरो के पास वन भी आ सकता था टू भी आ सकता था मतलब कुछ आ सकता था ठीक है इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा थ्री होगा नेक्स्ट एस्टिपर मोटर है जो स्टेप एंगल दिया हुआ है ठीक है स्टेप एंगल है आपका टू पॉइंट फाइव और कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर फॉर साफ टू मेक ट्वेंटी फाइव रिवोल्यूशन तो कैसे निकालेंगे आपको इस क्वेश्चन पहले इसका एस्टेप uh, एंगल निकालो बीटा स्टेप एंगल बीटा इक्वल टू स्टेप एंगल स्टेप एंगल क्या होता है स्टेप एंगल होता है स्टार्टर स्पीड माइनस रोटर स्पीड बाय स्टार्टर स्पीड इनटू रोटर स्पीड ये क्या हो गया आपका बीटा अब देखो यहाँ पे इनटू तीन सौ डिग्री ठीक है ये फार्मूला आपका क्या होता है स्टेप एंगल निकालने का उसके बाद आपको पता है एन एस जो होता है नंबर ऑफ स्टार्टर टीथ एन एस क्या है नंबर ऑफ स्टार्टर टीथ नंबर ऑफ स्टार्टर टीथ और एन आर हो जाएगा नंबर ऑफ रोटर रोटर टिथ अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है दोस्तों ऑप्शन में आपको बीटा दिया हुआ कितना है टू पॉइंट फाइव डिग्री यहाँ पर देख सकते हो बीटा आपको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है स्टेप रिक्वायर्ड फॉर साफ टू मेक ट्वेंटी फाइव रिवोल्यूशन ठीक है और वन रिवोल्यूशन मतलब वन रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है अगर एक कंप्लीट चक्कर करेगा रोटर घूमेगा तो कितना होगा तीन सौ साठ डिग्री का तो ट्वेंटी फाइव रिवोल्यूशन में कितना होगा रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा तीन सौ साठ इंटू पच्चीस तो ये कितना हो जाएगा टोटल रिवोल्यूशन तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा तब टोटल रिवोल्यूशन कितना होगा पच्चीस इंटू तीन सौ साठ बाई कितना हो गया टोटल कितना है बीटा टू पॉइंट फाइव कितना हो जाएगा छत्तीस सौ आपके क्या हो जाएगा आपका आंसर थर्टी सिक्स हंड्रेड आ जाएगा क्या नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड कितना होगा थर्टी सिक्स हंड्रेड और कभी कभी इस फॉर्मूला का भी यूज़ करके आप आंसर आ सकता है जैसे कभी स्टार्टर टीथ दे दिया रोटर टीथ दे दिया आपको स्टेप एंगल पूछेगा तो आप इस फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हो ठीक है और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड कितना होगा एक रिवोल्यूशन में एक रिवोल्यूशन में आपको कितना होता है तीन डिग्री तो पच्चीस रिवोल्यूशन में तीन सौ और स्टेप एंगल दिया हुआ है तो स्टेप कितना स्टेप रिक्वायरमेंट होगी ठीक है इतना कंप्लीट करने के लिए रेवोल्यूशन पच्चीस रेवोल्यूशन तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टार कनेक्टेड रेसिस्टिव नेटवर्क इच रेसिस्टर है जे वैल्यू ऑफ हंड्रेड ओम स्टार टू तो डेल्टा कन्वर्जन इज परफॉर्म इच रजिस्टर इन डेल्टा कनेक्टेड क्या हो जाएगा जब भी स्टार से डेल्टा में अगर कन्वर्ट करते हैं अगर सपोज करो एक एक लिम का रेजिस्टेंस 100 है तो डेल्टा के एक लिम का कितना हो जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री हंड्रेड ओम हो जाएगा आंसर नेक्स्ट द ई एम एफ जनरेटेड इन अल्टरनेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ अल्टरनेटर नेक्स्ट चलते हैं फोर ए सैनोसोइडल वैल्यू ऑफ क्रिस्ट फैक्टर क्या होता है सैनोसोइडल तो सैनोसोडल मतलब क्या है कि इसका क्रिस्ट फैक्टर बोला तो क्या होता है वन पॉइंट फोर वन फोर और क्रिस्ट फैक्टर पिक फैक्टर आपको पता है सी एफ या पी एफ ठीक है क्या होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू बाई आर एम एस और जब भी स्वेटल पूछेगा दोस्तों सैनो मतलब होता है आपका आ, क्रिस्ट फैक्टर के बारे में अगर पूछेगा तो आ, आप डायरेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम वैल्यू बाय आर एम एस वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ सैंकोनस मोटर ओवर इंडक्शन मोटर फॉर ए पावर कंज्यूम पावर रिक्वायरमेंट फॉर थर्टी फाइव वाट टू पच्चीस सौ किलो वाट तक रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी सप्लाई फॉर द फील्ड अगर आप डिसएडवाटेज की बात करें इसका क्या हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी पावर रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी सप्लाई फॉर द फील्ड हो जाएगा और इसमें कभी कभी कंपेयरिंग भी पूछेगा सेंकुलस मोटर और इंडक्शन मोटर का क्या है जैसे कंपेयरिंग में पूछेगा तो स्पीड क्या होता है कांस्टेंट होता है किसमें इसमें स्पीड में नो लोड टू फुल लोड लेकिन इंडक्शन मोटर में जैसे आप लोड करोगे लोड के अनुसार क्या होगा स्पीड चेंज होगा पावर फैक्टर जो होता है इसमें सेंकुलस मोटर में लीडिंग लैगिंग ठीक है और जीरो पावर फैक्टर भी हो सकता है लेकिन उसमें इंडक्शन मोटर केस में हमेशा लेगिंग पावर फैक्टर होगा एक्साइटेशन जो है सेंक्रोनस मोटर में डीसी एक्साइटेशन दे देते हैं रोटर फील्ड में लेकिन यहाँ पे इंडक्शन मोटर में कोई भी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ठीक है और स्टार्टिंग टॉर्क का आपको पता है सेंक्रोनस मोटर का ज़्यादा होता है और इंडक्शन मोटर का कम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हुई द फॉलोइंग नोट ए पार्ट ऑफ ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम यूज फॉर द देंकोनस मशीन तो ब्रश ब्रशिस होगा नेक्स्ट है वन वन टू वन वन टू बोला ये फिफ्टी हर जो ओवर हेड लाइन है जो लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस दिया हुआ है इट्स डिसाइडेड टू तो यूज एन अर्थ फॉल्ट न्यूट्रलाइजर डिटरमाइन द दे रिएक्टेंस ऑफ न्यूट्राइज तो कैपेसिटेंस ऑफ इंटायर लेंथ ऑफ द लाइन तो इंटायर लेंथ ऑफ द लाइन को क्या करेंगे हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो देखो आपको सी पता है वन माइक्रो फेराड ठीक है एक्सेल इक्ल टू एक फार्मूला होता है वन बाई थ्री ओमेगा सी इस फार्मूला का यूज करके आप थ्री ओमेगा के इक्वल टू तो टू पाई एफ और सी है ओमेगाल टू तो टू पाई एफ इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला में आपको दिया हुआ कैपेसिटेंस दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ है आपका तो आप आराम से कितना आ जाएगा आंसर वन जीरो सिक्स वन नेक्स्ट दिया हुआ ट्रांस ट्रांजिस्टर में बीटा क्या है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वन ओम रेजिस्टर हुई इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट इज वन वोल्ट फाइंड द बेस करेंट ऑफ द सी कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन देखो एक रिलेशन होता है वोल्टेज गेन फॉर्मूला का वोल्टेज गेन फॉर्मूला भी सी सी कॉमन कलेक्टर वोल्टेज बाय बेस वोल्टेज इक्वल टू बीटा इंटू आर सी कलेक्टर रेसिस्टेंस बाय बेस रेसिस्टेंस अब देखो वीसीसी आपको दिया हुआ है कितना वन वोल्ट यहाँ पे देखो कलेक्टर सर्किट का वोल्टेज दिया हुआ है वीसीसी क्या दिया हुआ वन वोल्ट वीसीसी सी टू वन वोल्ट और आरसी दिया हुआ वन किलो और बीटा आपको दिया हुआ फोर्टी फाइव तो आईसी आप निकाल सकते हो आईसी सी टू क्या होता है वी सी ई बाई आर सी तो आई सी टू क्या हो जाएगा वी सी सी वी सी सी तो क्या हो जाए वन बाई वन किलो ओम तो वन मिली एमपियर आ जाएगा आई सी तो आई वी इकल टू क्या होगा आई बी बेस करेंट इकल्टू तो आई सी बाई बीटा तो आई सी आपको दिया हुआ वन मिली अब बाई बीटा कितना है फोर्टी फाइव तो वन में जब फोर्टी फाइव से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम आएगा ठीक है इस रिलेशन से आप बना सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन का फेज मॉडिफायर का यूज़ कहाँ पर करते हैं फेज मॉडिफायर जो नॉर्मली इंस्टॉल इन कहाँ पर करते हैं फेज मॉडिफायर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंस्ट्रक्ट द डूल ऑफ फोर पे मेस नेटवर्क हाउ मेनी नोड्स आर रिक्वायर्ड देखो डुअल ऑफ द फोर मेस नेटवर्क बोल रहा है और कितना नोड नोड इक्वल टू क्या होगा ए इक्वल टू क्या होगा बी बी प्लस वन ठीक है तो यहाँ पे फोर मेस है तो आपको दिया हुआ है, तो Uh, b इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर प्लस वन कितना हो जाएगा नोट कितना होगा फाइव हो जाएगा एक और फॉर्मूला होता है बी माइनस एन प्लस एल इक्वल टू या बी माइनस एन प्लस वन नेक्स्ट है इन एस आई सिस्टम द बेस यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कैंडेला नेक्स्ट है देखो चीपर का बोल रहा है मतलब सबसे सस्ता कौन सा अल्टरनेटर होगा यहाँ बोल रहा है टेन मोटर ऑफ़ टेन एच पी दस अलग अलग मोटर आप टेन एच पी खरीदेंगे तो कितना कॉस्ट होगा ज़्यादा होगा फाइव मोटर ऑफ़ ट्वेंटी एच पी हंड्रेड एच पी ए सी थ्री फेज मोटर एक सिंगल फेज मोटर खरीदेंगे हंड्रेड एच पी वो सबसे चीपर होगा सबसे सस्ता होगा ठीक है नेक्स्ट हुइ टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द एफिशंसी ऑफ ट्रैक्शन मोटर ट्रैक्शन मोटर का एफिशियसी निकालने के लिए हम लोग फील्ड टेस्ट करते हैं नेक्स्ट एज़ पर आई एस आई इतना पाइप टाइप अर्थिंग इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ स्टील शुड नॉट बी स्मॉलर देन द थर्टी एट एम एम इंटरनल डायामीटर हो जाएगा इसका आंसर मिनिमम साइज ऑफ एल्यूमुनियम केबल जनरली यूज फॉर लाइट एंड फेंस सब सर्किट इज़ वन बाय वन पॉइंट फोर जीरो एम एम हैविंग करेंट कैपेसिटी ऑफ़ जो इसका करेंट कैरिंग कैपेसिटी होगा जो आपका दिया हुआ साइज ऑफ केबल इसका होता है टेन एम अलग अलग होता है दोस्तों जैसे वन बाय वन पॉइंट फोर जीरो दिया है और ये क्या है कौन सा केबल है एलमुनियम है इसी साइज का केबल में अगर कॉपर का रहता जितना करेंट ये कैरी करता है का वन बाय वन पॉइंट टू एम एम का ही कैरी कर सकता है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा टेन